हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। एन अकॉस्टिक बर्गलर अलार्म कंसिस्ट ऑफ अ सोर्स एमिटिंग वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 30 kHz। व्हाट इज द बीट फ्रीक्वेंसी बिटवीन द सोर्स वेव्स एंड द वेव्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एन इंट्रूडर वॉकिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 0.950 m/s directly away from the alarm? So in this question we have a burglar alarm जिसकी frequency है 30 kHz। तो हमें find करनी है beat frequency between the source wave और reflected wave, और average speed of the burglar है 0.950 m। तो the key concept जो हम इस question में use करने वाले हैं वो है Doppler effect का। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू यूज़ द फॉर्मूला ऑफ डॉपलर इफेक्ट, यानी कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो लेट अस सी हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन जो अकॉस्टिक बर्गलर अलार्म है वो एमिट कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 kHz। तो बर्गलर अलार्म हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 kHz, तो हम ये लिख लेते हैं। और 30 kHz को हम नॉर्मल हर्ज में कन्वर्ट करेंगे तो 30 × 10³ करना पड़ेगा, तो 10³ हर्ज हो जाएगा। और एवरेज स्पीड जो है हमारे इंट्रूडर यानी कि जो बर्गलर है उसकी एवरेज स्पीड है, स्पीड ऑफ बर्गलर इज 0.950 m/s। तो हम वो लिख लेते हैं, तो v इज इक्वल टू 0.950 m/s। तो ये हो गई हमारी स्पीड ऑफ बर्गलर। अब हमें फाइंड करनी है एपरेंट फ्रीक्वेंसी किसके लिए, जो एमिट हो रही है फर्स्ट टाइम, जो सोर्स वेव है हमारी उसके लिए हम डॉपलर इफेक्ट यूज करके एपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो डॉपलर इफेक्ट से एपरेंट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ ऑफ बी, यानी कि वो फर्स्ट टाइम जो जा रही है बर्गलर के पास में, तो वो हो गई F इंटू वी माइनस वी ऑब्जर्वर, यानी कि जो बर्गलर है उसकी स्पीड, डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ साउंड। तो यहाँ पे जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो है 30 × 10³। अब वेलोसिटी ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू 343 m/s माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर जो कि है बर्गलर की वेलोसिटी 0.95 m/s डिवाइडेड बाय 343। तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगी फ्रीक्वेंसी जो कि बर्गलर रिसीव कर रहा है, तो वो है 229.91 × 10³ Hz। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी विच इज ऑब्जर्व बाय द बर्गलर। अब रिफ्लेक्ट बैक हो रही है फ्रॉम द बर्गलर, तो रिफ्लेक्टेड वेव की फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए हम वापस से डॉपलर इफेक्ट का यूज़ करेंगे, यानी कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। तो रिसीव फ्रीक्वेंसी एफ आर को हम कंसिडर करें, एफ आर रिफ्लेक्टेड वेव की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जो बर्गलर को रिसीव हुई थी वो अब एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय 343 डिवाइडेड बाय 343 प्लस 0.95 m/s। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है अब वो रेस्ट पे है, इसलिए हमने उसकी उसकी वेलोसिटी जीरो ली है, और जो सोर्स है वो मूव कर रहा है इसलिए हमने 0.95 से ऐड किया है। तो रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, 29.91 × 10³ मल्टीप्लाइड बाय 343 डिवाइडेड बाय 343.95। सो ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट द फ्रीक्वेंसी, रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 29.82 × 10³ Hz। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है बीट फ्रीक्वेंसी बिटवीन सोर्स एंड द रिफ्लेक्टेड वेव। तो बीट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए वी विल यूज एफ बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट इज इक्वल टू द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी माइनस द रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी, यानी कि एफ बी माइनस एफ आर। सो जो एफ बी है हमारे पास में वो थी 29.91 × 10³ Hz माइनस एफ आर, और एफ आर है 29.82 × 10³ Hz, तो
10 टू पावर 3 हम कॉमन ले लेंगे। सो इसको सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में जो f बीट यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट आती है वो इक्वल है 90 हर्ट्ज के। दस द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स इज इक्वल टू 90 हर्ट्ज एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।